गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फूडीज डायरी। आज संडे है तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं लूची और चना पनीर बनाने वाली हूँ। तो आइए सीखे कैसे कम स्पाइसी और विदाउट अनियन हम लोग चना पनीर बना सकते हैं। मैंने ऑयल कढ़ाई में डाल दिया है और इसके लिए स्पाइसेस जो है क्यूमिन, कोरिएंडर, टर्मरिक एंड रेड चिली पाउडर, देन अदरक लहसुन का कीमा, बे लीफ एंड चिलीज, पोटैटो क्यूब किया हुआ, पनीर एंड चिकपीस बॉयल किया हुआ। तेल बहुत ही गर्म हो चुके हैं तो इसमें हम अभी क्यूमिन, देन कार्डमम, देन सिनेमन, बे लीफ, चिली अभी मेरे पास ड्राइड रेड चिली नहीं है, एंड उसके बाद जिंजर एंड गार्लिक का जो मैंने कीमा बनाया हुआ था वो भी डालेंगे। सारा होल स्पाइसेस इसमें डालना है, क्लोव डालना है और इसको हम सॉटे करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। आप अगर अनियन डालते हैं तो अनियन डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे अनियन नहीं डाला है। पोटैटो का जो क्यूब्स मैंने किया था उसको अभी इसमें डाल देंगे और अच्छे से फ्राई करना है हम लोगों को। थोड़ा सा सॉल्ट भी इसमें डालिएगा और ढक के 2 से 3 मिनट तक रखिएगा मीडियम हाई फ्लेम में। पोटैटोस फ्राई हो चुके हैं तो अभी हम इसमें स्पाइसेस डालने वाले हैं। स्पाइसेस डाल के आपको अच्छे से भूनना होगा ताकि इसमें से कोई रॉ स्पाइसेस का स्मेल ना आए। आप चिलीज को स्लिट करके दे सकते हैं या फिर आप चिलीज को मिंस करके भी दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप चिली ऐड करिएगा। तेल छोड़ रहा है, देखिए स्पाइसेस अच्छे से भुना जा चुका है। अभी हम इसमें टोमेटो केचप डालने वाले हैं, आप टोमेटो प्यूरी भी डाल सकते हैं। टोमेटो केचप डालने के बाद आपको थोड़ा सा और भून लेना होगा। इसके बाद आप चिक पीस को ऐड करिए और मिक्स कर लीजिए स्पाइसेस के साथ। पानी हम लोग बाद में डालने वाले हैं, अभी फिलहाल स्पाइसेस से मिक्स हो जाइए प्रॉपरली। अच्छे से मिक्स हो चुका है, अभी पानी डालिएगा अपने हिसाब से, थोड़ा सा ड्राई कंसिस्टेंसी होता है। चना अच्छे से बॉयल हो चुके हैं तो अभी इसमें हम लोग पनीर डालेंगे। ये फुल क्रीम पनीर है तो मैंने इसको फ्राई नहीं किया था, आप इसको थोड़ा सा फ्राई कर भी सकते हैं। अभी हम इसको ढक के थोड़ा सा और कुक करेंगे ताकि ये अच्छे से जो इसका एसेंस है इसमें आ जाए। सॉल्ट और शुगर आप अकॉर्डिंगली डालिएगा इसमें। 5 to 7 minutes इसको मीडियम हाई फ्लेम में ऐसे ही छोड़ दें। फिर लीड खोल के देखें 7 मिनट्स के बाद। इतना सारा ग्रेवी अब आपको अगर नहीं चाहिए तो आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए और रखिए इसको कवर करके। चना पनीर हम लोगों का रेडी है तो आपको अगर ये पसंद आता है तो प्लीज़ डू राइट डाउन द रेसिपी बिलो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फूडीज डायरी।